एग्रीकल्चर पढ़ाई में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की डिमांड। काफी आईएमपी टॉपिक से डिमांड में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, कब प्राइस कम होती है तो डिमांड घट जाती है। काफी इन दोनों का जो रिलेशन होता है उसमें काफी कंफ्यूजन होता है, तो आज सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिमांड होता क्या है। तो बच्चों इन जनरल सेंस में अगर मैं बात करूं, जो बोलचाल की भाषा होती है हमारी, उसमें डिमांड क्या होता है, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, वही क्या होती है डिमांड होती है, क्या विलिंगनेस, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा क्या होती है, मांग कहलाती है जनरल सेंस में या बोलचाल की भाषा में। क्लियर है? इन जनरल क्या होगा, इन जनरल इकोनॉमिक्स क्या होती है, विलिंगनेस, विलिंगनेस किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा मांग कहलाती है। बट अर्थशास्त्र में या इकोनॉमिक के सेंस में क्या होगी, इकोनॉमिक्स के सेंस में, इन इकोनॉमिक्स, तो इन इकोनॉमिक्स के सेंस में क्या हो जाएगी, द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डेट the quantity of the goods that the consumer are willing to buy or able to buy at different price at any given time. At any given time, मतलब जब हम इकोनॉमिक सेंस में मांग या डिमांड की बात करेंगे तो विलिंगनेस के अलावा और भी चीजें इसमें आती है। विलिंगनेस के अलावा चीजें और भी क्या आती है, जैसे क्या हो गया यहाँ पे, एबल टू बाय, विलिंग टू बाय के अलावा क्या आया, एबल टू बाय और गिवन टाइम, एट डिफरेंट प्राइजेस, एट डिफरेंट प्राइजेस एट एनी गिवन टाइम। मतलब यहां पे अगर इकोनॉमिक सेंस में डिमांड की बात करूं तो तीन चीजें, तीन कंडीशन जो होना जरूरी है तभी वो डिमांड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वो तीन चीजें क्या, वो तीन कंडीशंस क्या है, फर्स्ट वन हो जाएगा विलिंगनेस टू बाय, खरीदने की इच्छा। दूसरा आ जाएगा एबिलिटी टू बाय, खरीदने की क्षमता। तीसरा आ जाएगा सर्टेन टाइम, निश्चित समय। ये तीन चीजों का होना जरूरी है तभी वो मांग कहलाएगी, अदरवाइज मांग नहीं कहलाएगी। डेफिनेशन में क्या बोला गया, क्वांटिटी ऑफ द गुड, किसी वस्तु की मात्रा जो कंज्यूमर क्या करना चाहता है, खरीदने की इच्छा रखता है, उसको खरीदने की क्षमता भी रखता है किसी भी प्राइस पर और एक निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में किसी भी प्राइस पर किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता और उसकी इच्छा जो है क्या कहलाती है, डिमांड कहलाती है। मान लो आपको कोई चीज खरीदना है, आपको कोई चीज खरीदने की इच्छा है, आपको मान लो पेन खरीदने की इच्छा है, ठीक है, आपकी पेन खरीदने की इच्छा है, आपके पास पैसे भी है, मतलब आपके पास क्षमता भी है उसे खरीदने का, बट आपके पास क्या है, टाइम नहीं है, आपके पास क्या है, एक निश्चित समय नहीं है कि आप जाके पेन ले आए, तो क्या होगा, आप उस चीज को डिमांड नहीं कहेंगे, मांग नहीं होगी वो। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपने ये वाला शर्त जो है कंप्लीट नहीं किया। मान लो कोई व्यक्ति, कोई रिच पर्सन है, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, सर्टेन टाइम, निश्चित टाइम भी है, ठीक है, उसके पास क्षमता भी है खरीदने की, लेकिन वो खरीदने की इच्छा नहीं रखता है। मान लो कोई वस्तु है, उसके पास समय भी है, पैसा भी है, पर उसको खरीदने की कोई इच्छा ही नहीं है, तब भी वो क्या होगी, डिमांड नहीं होगी। क्लियर है? डिमांड होने के लिए मेन चीज क्या है, ये तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है, उसे खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए और निश्चित समय भी होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी, डिमांड कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। अब ये बात आती है, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि डिमांड क्या होती है, मतलब डिमांड क्यों होती है, किसी वस्तु की डिमांड क्यों होती है। मान लो ये पेन है तो इसकी डिमांड क्यों हो रही है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है इसकी यूटिलिटी छिपी हुई होती है, क्या होती है, इसकी उपयोगिता जो होती है वो छुपी हुई होती है। अब बात उपयोगिता क्या होती है, यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी होती है पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, मतलब एक यूटिलिटी क्या हो, एक ऐसी शक्ति या ऐसी ताकत होती है जो ह्यूमन की जो वांट्स है, जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करती है, उनको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी आइसक्रीम खाने की इच्छा है, क्या है, आपकी आइसक्रीम खाने की इच्छा है,
क्लियर है, आपकी आइसक्रीम खाने की इच्छा है, आप मतलब क्या है यहाँ पे, आपकी आइसक्रीम खाने की इच्छा है, पहला पॉइंट आप सेटिस्फाई कर रहे हो। क्या आप एबल भी हो उसको खरीदने के लिए, आपके पास खरीदने की क्षमता भी है और आपके पास टाइम भी है, क्लियर है। अब ये आइसक्रीम आप खा लोगे, जब इस आइसक्रीम को आप क्या करोगे, कंज्यूम करोगे तो आप क्या होगे, सेटिस्फाई, क्लियर है, आप क्या हो जाओगे, सेटिस्फाई। मेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा थी, मैं गया, मैंने आइसक्रीम ली, खरीदी और मैंने खाई और मैं आइसक्रीम खा के क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, हाँ भैया मैंने आइसक्रीम खा ली। मतलब आपने क्या हुआ, इसके अंदर जो उपयोगिता थी, इसकी जो यूटिलिटी थी, छिपी हुई यूटिलिटी के कारण ही इस वस्तु की क्या थी, डिमांड थी। क्यों, यूटिलिटी क्या होती है, किसी व्यक्ति को उसकी जो इच्छा है उसको सेटिस्फाई करने की जो ताकत है या पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। तो भैया आपकी आइसक्रीम खाने की इच्छा थी, आप गए, आपने खरीदी, आपके पास टाइम भी था, ठीक है, आपने उसको खाया, खाने के बाद आप सेटिस्फाई हो गए कि यार मैंने आइसक्रीम खा ली, बस अब और नहीं खाना, तो उसकी वजह से इस आइसक्रीम की डिमांड हुई, उस यूटिलिटी की वजह से ही आइसक्रीम की क्या थी, डिमांड थी, क्लियर है। तो अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड्स की, ठीक है, क्या लॉ क्या है, क्या लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है, घट जाती है, तो जो उस वस्तु की जो क्वांटिटी होती है खरीदने की, वो भी क्या हो जाती है, घट जाती है और बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ से समझ लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड को, x एंड y ये जीरो, यहाँ हो जाएगा प्राइस 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, ये हो जाएगा यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, क्लियर है। मान लो किसी वस्तु की, यहाँ पे ये जो है डिमांड और प्राइस, पहले ये समझ लीजिए कि ये जो डिमांड और प्राइस जो है दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड दोनों में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। कैसे, मान लो प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, डिमांड उस क्वांटिटी की, उस वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो प्राइस क्या हो गई, घट गई, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही चीज़ यहाँ ग्राफ में हम समझ लेते हैं, यही लॉ ऑफ डिमांड यही तो बोलता है कि अगर किसी वस्तु की प्राइस क्या थी, मान लो किसी वस्तु की प्राइस 4 रुपये थी, तो उस क्वांटिटी कितनी आपने परचेस की, 2 क्वांटिटी परचेस की, ठीक है। मान लो एक पेन है, उस पेन की प्राइस 4 रुपये थी, तो आपने 2 पेन खरीद लिए, क्लियर है। अब उसी पेन की प्राइस क्या हो गई, 2 रुपये हो गई, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा खरीदोगे कि भैया प्राइस तो 2 ही रुपये हो गई, तो आप 4 रुपये लेके गए थे, प्राइस 2 ही रुपये हो गई, तो एक काम कर 4 दे दे, जब सस्ती हो गई तो 4 दे दे। तो वही कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है लॉ ऑफ डिमांड का, कि क्या होगा, जब प्राइस बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे ही प्राइस घट गई तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बना है वो क्या बनेगा, नेगेटिवली स्लोप्ड ग्राफ बनेगा, नेगेटिव स्लोप मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो बना है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बट ये क्या है, नेगेटिवली स्लोप ग्राफ है। तो यही लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, प्राइस घटती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, यही एक कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। यही कॉन्सेप्ट बच्चों को परेशानी होती है कि भाई प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर कौन से ऐसे फैक्टर है जो डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्राइस के अलावा या प्राइस भी, प्राइस की तो हमने बात कर ली अभी, है ना, कि ये प्राइस की वजह से क्या होता है, डिमांड जो है कम ज़्यादा होती है, और भी ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, डिमांड्स को अफेक्ट करते हैं। तो बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, डिमांड्स को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सबसे पहला फैक्टर क्या आता है, प्राइस। इस ग्राफ से आप समझ चुके हैं कि भाई प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। तो प्राइस ये मेन फैक्टर है, इसी को आपको याद रखना, बाकी फैक्टर जो है वो अदर देन प्राइस फैक्टर है। दूसरा आ गया इनकम, ठीक है, किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो उसकी क्या होगी, डिमांड, उसकी इच्छाएं भी बढ़ेगी, क्लियर है, कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। थर्ड वन बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं पेप्सी और कोका कोला।
पेप्सी और कोका कोला दोनों सेम प्रोडक्ट है, दोनों पेय पदार्थ है जिनको पिया जाता है, ठीक है। दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स है। अब बात करते हैं दोनों की जो प्राइस थी वो 30-30 रुपए थी पहले, क्लियर है। दोनों की प्राइस क्या थी? 30-30 रुपए थी। प्राइस ऑफ रिलेटिव ग्रोथ्स मतलब मान लो यहां पे पेप्सी की प्राइस अब क्या हो गई? 20 रुपए हो गई। पेप्सी की प्राइस 20 रुपए हो गई, क्लियर है। पेप्सी की प्राइस 20 रुपए हो गई तो कोका कोला की क्या हो गई? डिमांड कम हो गई। कोका कोला की क्या हो जाएगी? डिमांड कम हो जाएगी और पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्लियर है। तो किसी एक वस्तु की प्राइस में कमी होने से दूसरे वस्तु में क्या आ जाएगा? अफेक्ट आएगा, दूसरी वस्तु प्रभावित होगी। पेप्सी की प्राइस कम हो गई तो कोका कोला की डिमांड कम हो गई। अगर यहाँ पे कोका कोला की प्राइस, मान लो यहाँ पे कोका कोला की प्राइस बढ़ जाती, मान लो यहाँ पे पेप्सी की प्राइस 40 रुपए हो गई, तो क्या हो जाएगा? लोग कहाँ जाएंगे? कोका कोला पियेंगे, पेप्सी को नहीं पियेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा? इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। मतलब पेप्सी की प्राइस बढ़ने से पेप्सी की डिमांड कम हो गई लेकिन कोका कोला की डिमांड बढ़ गई। तो एक वस्तु की प्राइस में कमी या ज्यादा बढ़ने से उसका जो रिलेटिव गुड है सेम उसी की तरह जो दूसरा पदार्थ है उसकी डिमांड में कमी या बढ़ोतरी होती है, उसी को हम बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। फोर्थ हम बात करते हैं सीजन की। फोर्थ हम बात करते हैं सीजन, सीजन बोलो या वेदर बोलो, मौसम की। तो मौसम के अकॉर्डिंग भी क्या डिमांड प्रभावित होती है। जैसे अभी ठंडी का समय चल रहा है तो क्या होगा? स्वेटर की डिमांड ज्यादा होगी, कंबल की डिमांड, शॉल की डिमांड ज्यादा होगी, तो क्या होगा? वो भी प्रभावित होता है, डिमांड को अफेक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं फैशन की, फैशन की, और फिर हम बात करते हैं टेस्ट या प्रेफरेंस की, टेस्ट या प्रेफरेंस की। फैशन की बात करते हैं, फैशन से प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फैशन का या सीजन का और टेस्ट का प्राइस से कोई लेना देना नहीं, अदर देन प्राइस फैक्टर है, ठीक है। ये जैसे इनकम हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड हो गया, सीजन हो गया, फैशन हो गया और टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ये अदर देन प्राइस फैक्टर है। अदर देन प्राइस फैक्टर मतलब कि यहाँ प्राइस का कोई लेना देना है। जैसे सीजन है, स्वेटर है, स्वेटर आपको खरीदना ही पड़ेगा चाहे कितना भी पैसा लगे, यहाँ प्राइस मैटर नहीं करेगी, ठीक है। ठंडी आ गई तो आपको कंबल चाहिएगी, आपको शॉल चाहिएगी, आपको स्वेटर चाहिएगा, क्लियर। बात आती है फैशन की, फैशन भी क्या होता है? सेम चीज है कि अगर मुझे ये चीज पसंद है तो मैं यही चीज खरीदूंगा चाहे प्राइस कुछ भी हो, क्योंकि वो फैशन का सवाल है। फिर अब बात करते हैं टेस्ट और प्रेफरेंस, टेस्ट और प्रेफरेंस का। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं टी और कॉफी, टी एंड कॉफी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, टी एंड कॉफी। अब मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसको कॉफी बहुत पसंद है, ये भी 10 रुपए की है और ये भी 10 रुपए की है, टी और कॉफी बहुत पसंद है ना। तो उसको एक व्यक्ति जिसको कॉफी बहुत पसंद है उसका टेस्ट या प्रेफरेंस क्या है? कॉफी ही है। बट क्या हुआ यहाँ पे, मान लो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया, कितने हो गया? 15 रुपए हो गया, तो वो टी पे शिफ्ट नहीं होगा, वो कॉफी को ही प्रेफरेंस देगा क्योंकि उसका टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है? कॉफी ही है, चाहे प्राइस 15 रुपए हो जाए चाहे 20 रुपए हो जाए, वो टी पे नहीं जाएगा, क्लियर है। तो ये कुछ फैक्टर थे डिमांड को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर थे, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे मेन फैक्टर इसी को माना गया है, बाकी फैक्टर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।